हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज की क्लास में जो हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे वो है, देख रहे हो आप यहाँ पे मैंने लिखे हैं, इनको हम सेंटेंस बनाएंगे इनसे जर्मन में, और इनमें जो भी ग्रामर यूज़ हो रही है वो हम देखेंगे। सेंटेंस होते हैं कब से, जैसे कब से वह जर्मनी में रह रहा है, कब तक ट्रेन वापिस आएगी, कब से वह काम कर रहा है, कब तक तुम स्वस्थ हो जाओगे, ये सारे सेंटेंस हम सीखेंगे आज जर्मन में कैसे बोलते हैं। हिंदी में तो सभी को पता है कैसे बोलते हैं, इंग्लिश में भी आप सबको पता है, बट जर्मन में कैसे सेंटेंस बोलते हैं हम ये दिखेंगे। तो इसमें एक ग्रामर का जो पार्ट है वो मैं बारीकी से आपको समझाऊंगा, और आप कमेंट में नीचे सेंटेंस बनाना किस तरह से सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। आप भी अपने सेंटेंस नीचे कमेंट में जरूर लिखना कैसे ये सेंटेंस आप बना सकते हैं, मैं आपके सेंटेंस भी साथ साथ चेक करता रहता हूँ, ठीक है। चलिए, तो पहला सेंटेंस देख रहे हो स्क्रीन पर क्या लिखा है ऊपर, कब से तुम जर्मन सीख रहे हो। हम किसी से बात कर रहे हैं तो आपको पता चला कि वो जर्मन सीख रहा है, तो आपने बोला कब से आप जर्मन सीख रहे हो, कब से तुम जर्मन सीख रहे हो, तो इसमें क्या बनेगा, देखो कब से, तो जाइट, यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं वर्ड वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जाइट जाइट, ठीक है। जाइट मतलब से, से, और अगर कब से लोगे तो जाइट वन मतलब कब से, ये क्वेश्चन वर्ड है कब से, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, पहले जाइट आएगा फिर वन आएगा, हालांकि बोलने में इंग्लिश में कब और से होता है, ये ऐसे होता है, बट जब हम जर्मन में लिखेंगे तो पहले जाइट, उल्टा है ना, पहले जाइट से आएगा, जाइट वन, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम लिखते हैं कब तक, तो कब तक, तो यहाँ पे बिस वन, बिस वन, तो यहाँ पे होता है तक और ये होता है कब, तो ये भी उल्टा है, तो जर्मन में हम उल्टा लिख रहे हैं, देख रहे हो आप, कब पहले आएगा, जब इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे कब तक, ठीक है, ऐसे, लेकिन जर्मन में हम ये बिस को हम पहले लिखेंगे, ठीक है, बिस वन इंग्लिश में होता है, तो हिंदी में होता है तो हम लिखते हैं यहाँ पे कब, कब तक, और जर्मन में बिस वन, तो यहाँ भी देखो उल्टा चल रहा है, ठीक है, कब तक, कब से। तो ये सब चीज़ हम सीखेंगे सेंटेंस कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है बट आपको समझ आ जाएगा कुछ सेंटेंस की हेल्प से हम करेंगे, ठीक है। आपको पूरा लिख के दिखाऊंगा मैं, और आप भी सेंटेंस बनाओगे साथ साथ, लिखने से ही आएगा, ठीक है, सेंटेंस बनाओगे तभी आपको आएगा, ध्यान रखना, अगर नहीं बनाओगे तो नहीं आएगा। आपको मेरे साथ साथ सेंटेंस लिखने हैं, खाली वीडियो रील की तरह नहीं देखना कि रील चल रही है उसको देखे जा रहे हो, आपको सेंटेंस बनाने हैं, जब तक बनाओगे नहीं तो खुद से नहीं आएगा, ना ही बोलना आएगा ना ही लिखना आएगा। चलिए, तो कब से तुम जर्मन सीख रहे हो, तो क्या होगा, जाइट वन, जाइट वन लर्न्स टू डॉयच, जाइट वन लर्न्स टू डॉयच, ठीक है, कब से तुम, Zeit wann lernst du Deutsch, तो यहाँ पे वर्ब पोजिशन देख रहे हो, Zeit wann, ये एक आपका एक वर्ड है, इसके बाद हमने वर्ब लिखा lernst du, अगर हम फॉर्मल लिख रहे हैं तो Zeit wann lernen Sie Deutsch, Zeit wann lernen Sie, ठीक है, अगर Sie फॉर्म है तो lernen Sie, नेक्स्ट, कब से वह जर्मनी में रह रहा है, कब से, तो सेम होगा Zeit wann, Zeit wann वह रह रहा है, तो wohnt er, Zeit wann wohnt er in, अब यहाँ पे कोई भी लिख सकते जगह, जर्मनी, लंदन, इंग्लैंड, इंडिया, फ्रांस, ठीक है, कोई, तो जाइट वन वोंट एर इन डॉचलैंड, समझ गए, कब से, है ना, कितने सालों से, कितने महीनों से, कितने दिनों से, पुराना काम चला आ रहा है अभी तक, जैसे कोई दो सालों से सीख रहा है, 2022 से स्टार्ट किया था और अभी तक सीख रहा है, तो जाइट वन लैंड एर डॉयच। अब इसका आंसर कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा, पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर इसके आंसर भी करेंगे हम। देखो, कब तक तुम घर आओगे, कब तक, अब कब तक मतलब बिस, देखो बिस वन, बिस वन कॉम्सू ना हाउस, कॉम्सू ना हाउस, है ना, ना हाउस लिखते नहीं तो आपको पता है घर के लिए हम नाक प्रेपोजिशन लगाते हैं, बिक बिस वन कॉम्सू ना हाउस, ठीक है, बिस वन मतलब कब तक, कब तक तुम घर पे आओगे, बिस वन कॉम्सू ना हाउस। अब इसका आंसर देख लेते हैं, इसी का देखते हैं पहले, बिस वन का कैसे लिखेंगे हम, ठीक है, बिस वन कॉम्स टू ना हाउस, तो मैंने बोला इश कोमे शॉर्ट में आई कम, मैं 4 बजे तक आऊंगा, इश कोमे बिस फियर ओवर, तो 4 बजे ये आपेंड है, ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड है, नहीं तो 4 को हम लिखेंगे 24 आवर्स में, कैसे लिखते हैं 24 आवर्स में, 12 + 4 जैक्सेन ओवर, है ना, मतलब ये हो गया 4 बजे 4 PM, तो इश्को में बिस जैक्सेन ओवर, इश्को में बिस जैक्सेन ओवर, मैं 4 बजे तक,
तो यहाँ पे 20 के बाद हमें क्या लिखना है, जो भी हम लिख रहे हैं कि मैं 4 बजे तक आऊँगा, अगर कोई डे लिख रहे हैं तो इसको हमें 20 मोन्टा कि मैं मंडे तक आऊँगा, मैं सोमवार तक आऊँगा, इसको हमें 20 मोन्टा मैं सोमवार तक आऊँगा। तो 20 के बाद आप लिख दोगे, चाहे तो इसके बाद आप कोई टाइम लिख सकते हो कि कब तक आओगे, ठीक है, या फिर आप कोई डे लिख सकते हो, सोमवार मंगलवार कब तक आओगे, ठीक, इस बनेगा। इसको मैं 20 मोन्टाग, इसको मैं 20 आबेंड, मैं इवनिंग तक आऊँगा, समझ गए। चलिए ये सेंटेंस आपको नोट भी करने साथ साथ, फिर मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे जाइट वन लैंड्स टू डॉयच, ये देख लेते, जाइट वन कब से तुम जर्मन सीख रहे हो, तो कैसे होगा, इस लैर ने डॉयच लिखना है, लिख सकते हो, नहीं तो इस लैर ने इतने भी लिख सकते हो, इस लैर ने जाइट, यहाँ पे टाइम लिख दो, ईयर लिख दो, जैसे 2022 से कोई सीख रहा है, या इस लैर ने जाइट फेब्रुआर, कोई अगर फरवरी से सीख रहा है, ठीक है, इस लैर ने जाइट फेब्रुआर, मैं फरवरी से ही जर्मन सीख रहा हूँ, जस्ट फरवरी में ही मैंने शुरू किया है और अभी तक सीख रहा हूँ, तो ये टेंस सीख रहे हो, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस, जो आप पुराना चला रहा है, जनवरी से अभी तक, 2022 से अभी तक मैं सीख रहा हूँ, कोई भी एक्टिविटी एक्शन जो पुराने टाइम में स्टार्ट हुआ था पीछे पास्ट में और अभी तक चला आ रहा है, तो वहाँ पे हम जाइट लिखते हैं, सिंस आई हैव बिन लर्निंग सिंस 2022, आई हैव बिन लर्निंग सिंस फेब्रुअरी, ये सेंटेंस है, इसको आप नोट करोगे, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ पुराने वाला, फिर और सेंटेंस करते हैं। आप भी कमेंट करके लिखोगे कैसे लगे आपको सेंटेंस, समझ आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, और भी सेंटेंस हम अभी करेंगे साथ साथ, तो ये सब आपको प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस से ही आपका इंप्रूवमेंट आएगा, मैंने हमेशा बोला है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप कर सकते हो। और हमारा टारगेट A1 A2 बैच स्टार्ट होने वाला है सेप्टेम्बर में, सेप्टेम्बर 1 से स्टार्ट होगा टारगेट A1 A2, तो जिसको भी ज्वाइन करना है टारगेट A1 A2 लाइव क्लास होगी बिगिनर्स के लिए, डेली 5 बजे से शाम को 6 बजे तक इंडियन टाइम, फीस बहुत नॉर्मल है इसकी, 999 पर मंथ के हिसाब से फीस होगी, मैं हमेशा इसको अनाउंस कर रहा हूँ क्योंकि सेप्टेम्बर 1 आने वाली है, तो उसके बाद बैच शुरू नहीं होगा, एक बार बैच स्टार्ट हो जाए फिर नया एडमिशन नहीं होगा, तो बहुत कम फीस पे टारगेट A1 A2 का बैच चल रहा है, उसके कुछ दिनों बाद में टारगेट B1 भी स्टार्ट होगा, बहुत कम फीस में हम जर्मन सीखेंगे। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फीस दे नहीं पाते, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो बहुत कम फीस में, ये नीडी स्टूडेंट्स के लिए है, ज़रूरतमंद बच्चों के लिए है, तो टारगेट A1 A2 स्टार्ट हो रहा है सेप्टेम्बर 1 से शाम 5 से 6। ईमेल कर देना या इंस्टा पर DM कर देना जिसको भी ज्वाइन करना है, ठीक है, काफ़ी सारे एनरोलमेंट हो गए हैं, तो जब तक सीट्स हैं तब तक आप कर सकते हो, उसके बाद फिर नहीं होगा, फिर आपको 2 महीने वेट करना पड़ेगा, इसमें एग्ज़ाम की तैयारी होगी, रीडिंग की, स्पीकिंग की तैयारी होगी, ठीक है, और एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगे, पूरा A1 A2 अच्छे से ग्रामर करेंगे, बिल्कुल बेसिक 0 से शुरू करेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट, कब तक तुम मुझे पैसे वापस दोगे, कब तक तुम मुझे पैसे वापस दोगे, पैसे किसी को आपने दिए तो आपने उससे पूछा कि भाई मुझे पैसे कब तक वापस दोगे, मुझे चाहिए पैसे, तो बिस वन अब यहां पे वर्ब आएगा, पैसे वापस देना क्या बोलते हैं, सुरु गेबन, बिस वन गिव्स टू गेल्ड सुरुक। तो यहाँ पे वर्ब का आपको ध्यान रखना है कौन सी वर्ब यूज हो रही है, तो यहाँ पे सुरुक गेबन होता है वापस देना, और पैसे को बोलते हैं गेल्ड, पैसे मतलब गेल्ड मनी, तो बिस वन गिव्स टू गेल्ड सुरुक, किसे दोगे, मुझे दोगे, ये हमने नहीं लिखा है, लिखना है तो वो डाटिव बनेगा, गिव बिस वन गिव्स टू मियर गेल्ड सुरुक, कब तक तुम मुझे पैसे वापस दोगे, तो मैंने इससे इतना लिखा है बिस वन गिव्स टू गेल्ड सुरुक, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कब से वह नौकरी कर रहा है, कब से वह नौकरी कर रहा है, कितने दिनों से कर रहा है, कितने महीनों से कर रहा है, तो बिस वन, ठीक है, बी कैपिटल आएगा और ये स्मॉल आएगा, बिस वन आर्बाइटेड एयर, कब से वह काम कर रहा है, आर्बाइटेड एयर वह है ना, वह है तो मतलब लड़का है, एयर अगर लड़की होता तो शी लिखते हैं यहाँ पे छोटा एस, जी बोलते हैं, सो बिस वन आर्बाइटेड एयर, कब से वह काम कर रहा है, कब तक ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी, दिल्ली पहुंचना, ये वर्ब क्या है, पहुंचना, तो क्या होता है एराइशन, ये वर्ब भी आपको समझना है, एराइशन मतलब पहुंचना, कब तक ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी, तो बिस वन, ये अनकॉमन भी होता है, बिस वन कॉम्ड डेयर सुग, बिस वन कॉम्ड डेयर सुग डेली आन,
ठीक है, कब तक? आन कॉमन, आन कॉमन मतलब पहुंचना, नॉर्मल कॉमन का मतलब होता है आना, बट आन प्रेफिक्स लग जाएगा, आन कॉमन मतलब पहुंचना, और आप फॉरन होता है रवाना होना, डिपार्चर होना, तो ये वर्ब भी आपको समझना है, ठीक है। आन कॉमन मैंने यहाँ पे यूज किया, आन कॉमन मतलब पहुंचना, और इसका अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे आप लग जाएगा, आप फॉरन, ठीक है। तो अभी हमने अनकॉमन, कब तक ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी, बिस वन कॉम डेयर सुख डेली अन। एक और देखो नेक्स्ट, कब तक तुम स्वस्थ हो जाओगे, कोई बीमार है आपका दोस्त, तो आपने बोला कब तक तुम स्वस्थ हो जाओगे, हो जाओगे मतलब हेल्दी गेजुंड, और ये कब से वह कार सीख रहा है, कार सीखना मतलब आउटो फॉरन लर्नन, वर्क क्या है, आउटो फॉरन लर्नन। तो पहले ये देखते हैं कब तक तुम स्वस्थ हो जाओगे, तो बिस वन विर्स्ट, वैडन फॉर्म यूज कर रहा हूं मैं, विर्स्ट हो जाओगे ना, विर्स्ट तो गेजुंड, गेजुंड मतलब हेल्दी स्वस्थ, बिस वन विर्स्ट तो गेजुंड, बिस वन विर्स्ट तो गेजुंड, कब तक तुम स्वस्थ हो जाओगे, तो आंसर क्या होगा, इश वैड बिस नेक्स्ट वोक, मैं नेक्स्ट वीक तक हो जाऊंगा, देखो इश वैड बिस नेक्स्ट वोक, इसका आंसर लिख रहा हूं मैं, इश वैड बिस नेक्स्ट वोक, नेक्स्ट वीक तक, बिस क्योंकि आकुजाटी प्रेपोजिशन है, तो बिस नेक्स्ट वोक, मैं नेक्स्ट वीक तक हेल्दी हो जाऊंगा, गेजुंड हो जाऊंगा, ये आपको समझ रहे हैं। तो आंसर भी आपको देखना है और क्वेश्चन भी आपको समझना है कैसे लिखना है, आप कमेंट करके मुझे जरूर लिखोगे अपने आंसर, मैं चेक करता हूँ आपके आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर भी बनाएंगे। चलिए दोनों इरेज करते हैं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। चलिए कब से वह कार सीख रहा है, कब से देखो, जाइट वन लेंट एयर, अब कार सीखना मतलब कार चलाना सीखना, तो आउटो फॉरन एक साथ आएगा, आउटो फॉरन, कब से वह कार चलाना सीख रहा है, तो आउटो फॉरन लर्नन। अब आप बोलोगे कि जैसे कि वह कब से कार चलाना सीख रहा है, तो जवाब मिलता है कि वह पिछले हफ्ते से ही वो कार चलाना सीख रहा है, पिछले हफ्ते मतलब एक हफ्ता ही हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो देखो जाइट वन में, तो हम यहाँ पे जाइट से शुरू करेंगे, जाइट आइनर वोक, ये डाटी है जाइट, जाइट आइनर वोक, एक हफ्ते से जाइट आइनर वोक डाटी है, तो बिस जो था वो आपको डाटी है, जैसे यहाँ पे था बिस वन कब से वह काम कर रहा है, तो यहाँ पे था बिस वन कब तक वह काम करेगा, तो बिस वन मतलब कब तक काम करेगा, ये शायद मैंने इसका आंसर गलत दिया था, आप देखो एक बार, बिस वन आर्बिटेटर वह कब तक काम करेगा, तो मैंने बोला बिस मोन्टाग वह मंडे तक काम करेगा, या फिर मैंने बोला बिस नेक्स्ट वोक वो नेक्स्ट वीक तक काम करेगा, वो नेक्स्ट वीक, तो बिस जो है ना ये आकुजाटिव है, इसलिए नेक्स्ट वोक हो गया, लेकिन जाइट जो है वो डाटिव है, तो इसलिए आइनर वोक हो गया। तो यहाँ पे बिस का क्वेश्चन है वहाँ पे बिस आंसर में आएगा, यहाँ पे जाइट का क्वेश्चन है वहाँ पे जाइट आंसर में आएगा, ये चीज़ आपको समझनी है ना, अगर बिस है क्वेश्चन में तो आंसर में भी बिस आएगा, क्वेश्चन में जाइट है तो आंसर में भी जाइट आएगा, बिस मतलब तक, कब तक वह काम करेगा, और जाइट मतलब कब से, पुराना आ रहा है, कब से वह काम कर रहा है, कब से वह गाड़ी सीख रहा है। समझ आया आपको, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं एक नई क्लास में, टिल देन आउट ऑफ द सेम बिस पार्ट।